आदर आदाब, अभिनंदन आभार। आ गए, नमस्कार। नमस्ते। तो आप मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं श्री राहुल गांधी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में, एक बार फिर जोरदार तालियां उनके लिए। और आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। धन्यवाद। आपको तो पता ही है 14 प्रश्न आएंगे। मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। जल्दी से आपको गेम के रूल्स में समझा दूं। बिल्कुल। 14 प्रश्न आएंगे, सही उत्तर देते जाइए धनराशि। मुझे, मुझे समझ नहीं आ रही बात। You're laughing, but I'm not able to understand. बहुत खतरनाक है ये। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि पहला प्रश्न रखूं आपके सामने, जितने भी आप यहां से धनराशि जीत कर जाएंगे, इसका क्या करने वाले हैं आप? ऐसी मशीन लगाऊंगा जो 50,000 रुपए को 3-4 महीने में 80 करोड़ रुपए में बदल सकती है। भाई साहब, क्या क्या उदाहरण आप दे रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में, हो सकता है। पहले से ही आपकी ऐसी सोच थी? ये मेरा सपना है, शायद बहुत बड़ा सपना है, मगर मेरा सपना है। बहुत कम इंसान होते हैं आप जैसे हमारे देश में। बिल्कुल। बहुत ध्यान से अब आपको खेलना है। आज के इस एपिसोड का पहला प्रश्न है, ये किस राजनेता की आवाज है? एक ऑडियो सुनिए। ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। वाजपेयी जी ने 1952 में फॉर्मल रूप दिया पार्टी को, तो इस बात पर बल दिया। ऑप्शन सुनिए, ए एलके अडवाणी, बी यशवंत सिन्हा, सी गोपीनाथ मुंडे, या डी मुरली मनोहर जोशी। एलके अडवाणी। श्योर है? श्योर। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल। एलके अडवाणी ए। कमीरो जी ताला लगाइए, बताइए सही है या नहीं। बिल्कुल सही, 5,000 रुपए जीत गए आप। अगला प्रश्न है दूसरा। ओ क्या हो रहा है, समय समाप्त हो गया, हूटर बज गया है। आपके साथ हम फिर आगे खेलेंगे कल। अब जाते जाते खुद पप्पू जी के उत्तम विचार सुनते जाइए। मगर हमारे यहाँ कोई बात नहीं सुनता, बात सिर्फ आरएसएस की सुनते हैं। नहीं, अभी ताली मत बजाओ, आपने सुना नहीं अभी, जब सुनोगे हिल जाओगे।